नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। बाबा सिद्दीकी की हत्या से मुंबई में लौटा अंडरवर्ल्ड, लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 शूटर्स, 11 राज्यों में आतंक, साबरमती जेल में रहकर कैसे ऑपरेट कर रहा है इतना बड़ा गैंग, बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 3 आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपियों का कनेक्शन यूपी से है, हरियाणा से है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। मध्य प्रदेश के भोपाल के बाद अब गुजरात के अंकलेश्वर से 518 किलो कोकेन जब्त। जब्त की गई कोकेन की कीमत 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ठीक इस तरह मध्य प्रदेश के झाबुआ में ड्रग्स का कारखाना पकड़ा गया, यहां बड़ी मात्रा में कच्चा माल और 112 किलो मेफेड्रोन मिला है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, धमकी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर डायवर्ट की गई फ्लाइट, देर रात तक हवा में रही फ्लाइट, फ्लाइट में 250 से ज्यादा यात्री थे सवार। यूपी के बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की, हिंसा में एक शख्स की मौत, घटना के बाद 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए सख्त, कहा माहौल बिगाड़ने वाले नहीं बचेंगे। यूपी भाजपा में नेता हरनाथ सिंह यादव ने दी सलमान खान को माफी मांगने की सलाह, यादव बोले सलमान खान काले हिरण मामले में बिश्नोई समाज से माफी मांग ले और मामला खत्म करें। बता दें कि जिस बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, सिद्दीकी सलमान के दोस्त थे। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक गिरफ्तार, उनके साथ 20 प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया, पीएम मोदी से मुलाकात करने की कर रहे थे मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अग्निपथ योजना पर फिर उठाया सवाल, उन्होंने कहा शहादत पर भेदभाव क्यों हो रहा है, उन्होंने पूछा कि अग्निवीर के रूप में शहीद हुए 2 सैनिकों के परिवारों को अन्य शहीद सैनिकों के समान पेंशन और लाभ क्यों नहीं मिलेंगे। हिजबुल्लाह ने इसराइल के आर्मी बेस पर ड्रोन से हमला किया, 4 सैनिकों की मौत, 60 घायल, इस तरह इसराइल ने गजा के नुसीरत रिफ्यूजी कैंप पर बड़ा हमला किया, हमले में 20 लोगों की मौत, दोनों के बीच तेज हुई जंग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को तीसरी बार मारने की कोशिश की गई, ट्रंप की रैली से कुछ ही दूर पर धराया आरोपी, आरोपी के पास से गन, फर्जी प्रेस कार्ड और एंट्री कार्ड मिला, आरोपी की पहचान वेम मिलर के रूप में हुई है, वो लॉस वेगस का रहने वाला है। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।